G20 रे आयोजित विभिन्न प्रदर्शन ने आमे एमिती एक स्टॉल रे पहुंचिछु जोठु दिल्ली रु दिलवाले आसिछन्ते अर्थात आपनको सीधा सडक विजुअल देखेबु काहे कि आमे तांको दिलवाले बोली कहउछु काहे कि ना ओडिसा रो महिला उद्योगिक कथा आपन देखिछन्ते किंतु रीयुजेबल जेमती आपन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट रे केमती महिला माने निजको नियोजित करि परिबे विभिन्न स्टॉल कथा कोंतु बैग्स कथा कोंतु आपन घरे नित्य व्यवहारत जिंसो को जेते बेले व्यवहार कर सर कि फोपाडी दउछन्ते ताकु केमती रिसाइकल करि हबो ताकु केमती व्यवसाय रे लगे लगा जाई परबो ताकू नै कि वर्तमान गुटे प्रदर्शन करछंती समान गुटे एग्जीबिशन ने पहुंची छंती एवं एग्जीबिशन ने बढ़िया सुंदर सुंदर आपन को विजुअल माध्यम रे आमे देखौ छु विभिन्न प्रकार स्टॉल जियो माने व्यवहार करछंती कॉलेज गोइंग गर्ल जो मान रही छंती समान विभिन्न प्रकार डिजाइन फैशनेबल देखिया पई समान बैग्स व्यवहार करछंती विभिन्न प्रकार आपन गिफ्ट का को देई परबे सब जिंस आपन को देखु छंती पेपर रे मध्य केमते रिसाइकल हे परबो से सब जिंस देखु छंती किंतु प्रतिक्रिया आमे तांकर नबा जो मैडम माने आसी एवं प्रोडक्ट आनी प्रतिक्रिया नबा से केमती ए चिंताधारा कले केमती से एग्जीक्यूट कर सब जिनस को से स्टॉल उपस्थित अच्छा मैडम को प्रतिक्रिया नबा मैडम वेलकम टू ओडिशा केमती आपको कैसा लग रहा है ओडिशा में आकर ये स्टॉल लगा कर बहुत अच्छा लग रहा है आई एम वेरी वेरी हैप्पी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक्चुअली वी आर प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ वी आर प्रेजेंटिंग लॉट्स ऑफ वुमेन्स टैलेंट बहुत बार होता है लेडीज़ आर वेरी वेरी टैलेंटेड लेडीज़ आर वेरी वेरी टैलेंटेड बट उन्हें अपनी मार्केटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता कि मार्केटिंग को कैसे किया जाए वो अपने आप को कैसे प्रमोट करे तो वी आर हेल्पिंग देम टू प्रमोट देयर सेल्व्स एंड वी आर वर्किंग ऑन द रिसाइकल थिंग्स और हम कलेक्शन ड्राइव करते हैं किसी के ओल्ड प्रोडक्ट को हम रीस्ट्रक्चर करके उन्हें न्यू प्रोडक्ट बनाकर देते हैं इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी What are the products? It's a पोटली You can see अगर आपका सूट है या साड़ी है you can make the पोटलीज One साड़ी में almost 20 पोटलीज बन जाती है तो you can gift someone. If you don't want to buy पोटलीज in Diwali, आजकल दिवाली में सब लोग बहुत लोगों को gifts देते हैं तो it's better कि give us 2 or 3 साड़ीज and making 60 or 70 पोटलीज और आप इसी में gifts दे सकते हो और पॉलीथिन बिल्कुल बैन हो गया तो वी आर मेकिंग अगेन न्यूज़ पेपर बैग्स क्योंकि बहुत पहले घरों घरों में न्यूज़ पेपर बैग्स ही बनते थे लेडीज़ आर मेकिंग न्यूज़ पेपर बैग्स It's a jeans tote bag, jute bag, or it's a multi-purpose bag, and we have so many products. अभी हम बहुत सारे products लेकर नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, in future we will give you a different style or different product जो हर घर पर बहुत ही use होता है, और हम उस पर focus करते हैं जो daily use में काम आए, और आप बार बार reuse कर सके, धो और use करो. जमती मैडम कहते जे बारंबार आम गोटे जिनस को केमती व्यवहार करें कि आलोचना करते मैडम आप ओडिशा आए हैं ये सब प्रोडक्ट लोग भी देख रहे हैं आपको पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको कितने दिन लगता है ये सब काम करने के लिए रिसाइकल प्रोडक्ट ला के आने के लिए पहले हम कलेक्ट करते हैं उनसे और उसके बाद हम लेडीज़ को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे बनाना है ये प्रोडक्ट आपको इसमें कैसे वर्क करना है कि साड़ी जैसे है आपका ओल्ड साड़ी है उसको कैसे यूज़ करना है उसकी हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं ये सब कुछ हमारे एनजीओ में ही बना हुआ है नवकुश भारत एनजीओ में ही बना हुआ है ये सारा कुछ ये फ्लावर्स कैसे बनाना हाउ टू मेक फ्लावर्स फर्स्ट वी विल गिव ट्रेनिंग देन दे विल मेक पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो बनाते हैं सारा का सारा काम ये रिसाइकिल पर है पहले पुराने ज़माने में लेडीज़ क्या करती थी क्रोशिया का काम करती थी अब वही काम ट्रेंड में आ गया ये वही काम दोबारा ट्रेंड में आ गया क्रोशिया का पहले सिखाया जाता है उसके बाद उनको वहाँ पर ट्रेनिंग देके काम दिया जाता है और वहीं से वो पैसा भी अर्न करती हैं वुमेन हमारे साथ तो बहुत सारी ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं वैसे तो हमारे पास 1000 महिलाएं हैं जो अभी एनजीओ में नहीं है एनजीओ से बाहर भी आकर काम करती हैं यहाँ से हमारे एनजीओ से सारे प्रोडक्ट ले जाती है और फिर हम उनको काम देते हैं वो हमें आके दे के जाती हैं बहुत बहुत सारी महिलाएं जुड़े 10 to 15,000 महिलाएँ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम उनको काम दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेन जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर काम हो रहा है हमारे आपको मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए मेरा जिन सभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं उसको फेंक देती हूँ उसमें से क्या रिसाइकल प्रोडक्ट आ सकता है
हाँ, अगर प्लीज़ आप जीन्स फेंके के मत, हम आपको बहुत तरीके के उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको हम टोट बैग्स बना सकते हैं, कैरी बैग्स बना सकते हैं, हम आपको फ्रूट बकेट बना सकते हैं, वेजिटेबल बकेट्स बना सकते हैं, और हम वही काम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर लेडी काम कर सके, इट्स अ वर्क फ्रॉम होम। अगर कोई लेडी ऑफिस आके काम नहीं कर सकती, हमारे सेंटर में आके काम नहीं कर सकती है, तो वो अपने घर पर काम करती है, वो हमारे से सामान ले जाती है, काम करती है, नेक्स्ट डे आती है, देती है, फिर वो नेक्स्ट डे का काम ले जाती है, तो हमारा ये पूरा साइकिल बन जाता है। एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बहुत आगे जाना चाहिए और इट्स अ ब्राइट ऑफ आवर फ्यूचर। थैंक यू मैडम फॉर द डिस्कशन। आपण मैंने देखुले दिल्ली रू दिलवाले आसी स्टॉल आपण देखुथिबे जे सबू रिसाइकल प्रोडक्ट को केमती महिला पाखरे पहुंचेबे, केवल महिला नुह विभिन्न आपणकर नष्ट हो जाइथिबा जींस कथा कोंतु, कुर्ती कथा कोंतु, शर्ट कथा कोंतु, विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट आपण ऑनलाइन ऑफलाइन मगौथिबा जींस कथा कोंतु, ताकू न फोपाड़ी केमती रिसाइकल प्रोसेस रे आमे ताकू व्यवहार आउथरे करि परिबा एवं से क्षेत्र रे महिला मानकू एंटरप्रेन्योर दिगरे आगो को बढेबा ताकू नेकी वर्तमान दिल्ली आसिथिबा महिला माने आम सहित आलोचना करथिले। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिक सह स्वप्नांजलि महांती, अर्गस न्यूज़।